वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्न। सो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर लेके आए हैं, क्लास सिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7, फ्रैक्शंस। इस चैप्टर में हम सभी टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करने में ईजी रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का कोई भी पार्ट, सपोज़ हाफ पार्ट, जैसे पार्ट ऑफ अ होल। सपोज़ मैं कोई सर्कल लेती हूँ, सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये क्या हुआ, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2। अगर सपोज़ मैं एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 4 पार्ट्स में। क्लियर, द पार्ट ऑफ अ होल। अब इसमें अगर मैं कोई सपोज़ इस पार्ट को शेडेड कर देती हूँ, तो इसमें हमें बताना है कि कितने पार्ट्स शेडेड हैं। अब टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। 4 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, कितने शेडेड पार्ट हैं, 1। तो ये क्या आ गया, 1/4। अगर इसमें मैं 2 पार्ट्स को शेड कर देती हूँ, ये 1 पार्ट को शेड किया और ये 2 पार्ट को, तो ये कैसे हो जाएगा, 2। और टोटल होल पार्ट्स कितने हैं इसमें, 1, 2, 3 एंड 4, 2/4। क्लियर। अगर मैं सपोज इसमें 3 पार्ट्स को शेड कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4। ये जो 4 है, ये होल जो होल है उसके जो होल पार्ट है वो है, और जो 3 है वो क्या है, शेडेड पार्ट है। क्लियर। और इसकी एक कंडीशन ये है कि इसके सभी पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सपोज मैं अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सभी पार्ट्स इक्वली होने चाहिए। अगर हम सपोज ट्रायंगल की बात करें, अगर ट्रायंगल को मैंने 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, बट ये क्या इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, तो इसके हम फ्रैक्शन नहीं बता सकते। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं। पार्ट ऑफ अ होल, कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ग्रुप में ऑब्जेक्ट हो सक हम ले सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि सभी पार्ट्स क्या हैं, इक्वल होने चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फ्रैक्शन से ही रिलेटेड सभी बाकी के टॉपिक्स हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन, फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। सबसे पहले नंबर लाइन क्या होता है, हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था नंबर लाइन क्या होता है। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर में 0 होता है, और लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स। अब हमने फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे बताना है इजीली। अब हम जैसे पहले हम क्या करते थे, अगर सपोज हमें 2 को प्लॉट करना है, तो हम इजीली यहाँ पे मार्क करके प्लॉट कर देते थे। अगर हमें 2 को प्लॉट करना है, तो -2 को तो हम यहाँ पे मार्क कर देते थे। 4 को प्लॉट करना है तो यहाँ पे मार्क कर देते थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाता है। चलिए समझते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ्रैक्शंस ली हैं 1/8, 3/8, 4/8 एंड 7/8। अब हम इन नंबर्स को, इन फ्रैक्शंस को कैसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करेंगे ताकि हम पता लगा सकें कि ये फ्रैक्शंस कौन से नंबर्स के बीच लाई करती है। न्यूमिनेटर अंदर लेते हैं हमेशा, और ये बाहर, ये 0, 0 से 1, 0 लगाया तो पॉइंट, 8, 1 से 8 एंड 2, और लास्ट नंबर को भी डिवाइड करके देख लेते हैं ताकि हम पता लगा सकें किसके बीच में नंबर लाई करते हैं। अब ये 0 है, 0 आ जाएगा, ये 7, पॉइंट है तो 70,
8 8 जा 64 और 6। अब दोनों का जो रिमाइंडर है वो देखते हैं क्या आया है। एक का आया है 0.1 और एक का आया है लास्ट वाले का 0.8। अब जो ये नंबर है ये किसके बीच में लाई करते हैं, ये ज़ीरो से, ये नंबर ज़ीरो से बड़ा है और ये नंबर वन से छोटा है, विच मीन्स ये नंबर कहाँ लाई करता है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर रख लेते हैं, विच मीन्स ये नंबर ज़ीरो और वन के बीच में लाई करता है, क्योंकि ये 0.1 क्या है, ज़ीरो से बड़ा है और 0.8 वन से छोटा है, तो ये क्या है, ज़ीरो और वन के बीच में लाई करते हैं। चलिए इनको हम प्लॉट करते हैं, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, सॉरी 5/8, 6/8 और ये 7/8। और 8/8 क्या आ जाए हमारे पास, क्या अगर हम यहाँ पे 8/, अभी बताती हूँ मैं आपको, अगर हम यहाँ पे 8/8 करें तब भी क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, क्लियर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर। तो अब हम इनको प्लॉट करते हैं, फर्स्ट नंबर क्या था, 1/8, 1/8 हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। सेकंड फ्रैक्शन क्या थी, 3/8, उसको हमने यहाँ मार्क कर दिया। थर्ड क्या था, 4/8, यहाँ मार्क कर दिया उसको। एंड लास्ट वन इज 7/8, उसको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, क्लियर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। अब जैसे हम इसी तरह से बाकी नंबर्स को भी पता लगा सकते हैं, बाकी फ्रैक्शंस अगर हमें गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनको भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि वो नंबर पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर फ्रैक्शन जो है वो कौन से नंबर्स के बीच लाई करती है, और उसको हम इजीली नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस वी हैव। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, विच मीन्स फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4/5 नंबर लेती हूँ, न्यूमिनेटर क्या होता है, ये ऊपर वाला नंबर, इसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे डाउनवर्ड में होता है नीचे वाला उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, क्लियर। सिमिलरली मैं और नंबर्स और एग्ज़ाम्पल्स ले लेती हूँ, 3/6, 2/3, 7/8 एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे देखो हमारा न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें भी न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें भी न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्लियर। सेकेंड हमारी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके एकदम ऑपोजिट होता है, रिवर्सिबल होता है, इसमें न्यूमिनेटर हमारा ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5/4, 7/4,
थ्री बाई टू एंड सो ऑन। इसमें क्या है, न्यूमिनेटर हमारा ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉल है, इसमें भी ग्रेटर एंड स्मॉल, थ्री बाई टू में भी ग्रेटर एंड स्मॉल। प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमारा न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। क्लियर? हमारा थर्ड है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं? फॉर एग्जांपल 4 2 by 8, 3 1 by 7, ऐसे वाली फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। इनको हम और डीपली थोड़ा समझते हैं। अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, अपने माइंड में रखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए न्यूमिनेटर छोटा एंड डिनोमिनेटर बड़ा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, ये अपने माइंड में रखना है आपने। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, 7 2 by 4, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 को 7 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको 2 से ऐड। चलिए करते हैं, 4 multiply 7 28, और 28 जो हमारा आंसर आया उसको क्या करना है, 2 से ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 30। ये क्या हो जाएगा 30, एंड हमारा डिनोमिनेटर में क्या था नीचे, 4। हम उसको अकेला 30 तो लिख नहीं सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में आएगा तभी ये फ्रैक्शन बनेगी, तो ये क्या आ गया 30 by 4। तो ये कौन सी फ्रैक्शन बनी, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? न्यूमिनेटर ग्रेटर है तो ये कौन सी फ्रैक्शन बनी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर अगेन हमें कहा जाए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, इस 30 by 4 को कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 30 और 4 को बाहर, कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28 और 2, रिमाइंडर क्या आया 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको माइंड में रखने का एक फॉर्मूला है, आपको अपने माइंड में रखना क्वेश्चन, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। अब क्वेश्चन क्या आया हमारा, 7, रिमाइंडर क्या आया है 2, और डिवाइजर क्या था 4। हमने इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, उसको बोला जाए कि प्रॉपर में कन्वर्ट करो, तो प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इम्प्रॉपर में बोले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इनको इजीली कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, और प्रॉपर को मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं, वो फ्रैक्शंस जो इक्वल होती हैं, इक्वी का मतलब इक्वल, वो फ्रैक्शंस जो इक्वल होती हैं बट दिखती क्या हैं, अलग अलग दिखती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट, अब मैं नंबर लिखती हूँ यहाँ पे 1 by 2 और 2 by 4, ये दोनों फ्रैक्शंस हमें देखने में तो डिफरेंट लग रही हैं, बट ये है क्या है, एक्चुअल में स्टिल ही क्या है, इक्वल हैं। कैसे, ये 1 by 2 है, अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखें तो ये भी 2 1 the 2 एंड 2 2 the 4, ये भी क्या है, इक्विवेलेंट ही है। चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 by 3 लिखूं और 3 by 9 लिखूं, ये भी क्या है, इक्विवेलेंट
फ्रैक्शंस हैं। कैसे हमने इसको इक्विवेलेंट कैसे बनाया? अब 3 है, 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 बन जाए, ये 9 बन जाए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। और अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें माइंड में रखनी है बात, अगर जो चीज़ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होती है वही चीज़ न्यूमिनेटर में भी के साथ भी मल्टीप्लाई होती है। 3 वन ज़ 3 एंड 3 3 ज़ 9, तो ये क्या बन गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/2 लेती हूँ, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं हमें, 2 या 3 इसके क्या निकालने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी करेंगे, तो 2/4। 1/2 को अगेन अगर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में करेंगे तो 3 से न्यूमिनेटर में भी करेंगे, 3/6। ये सारे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ रहे हैं। 1/2 अगर हम 4 से करेंगे तो यहाँ पे ऊपर भी 4 से करेंगे, तो 4/8। ये सारे क्या हैं, 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। हम चेक साइड में रफली चेक भी कर सकते हैं, अगर हम 2/4 को कट करें, 2 वन ज़ 2 2 2 ज़ 4, अगेन 1/2 ही बना। अगर 3/6 को हम करके देखें, 3 वन ज़ 3 3 2 ज़ 6, ये भी 1/2 ही बना। 4/8 को करके देखें, 4 वन ज़ 4 4 2 ज़ 8, ये सारे क्या बने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही आए हैं किसके, 1/2 के। क्लियर, आपको समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकाली जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, जो सिमिलर होती हैं पर दिखती अलग हैं, ये होती इक्वल ही हैं। ऑल्सो इसके इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन आया हो, 1/2 इज इक्वल टू 8, एंड यहाँ बताइए क्या आएगा। सो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 8 बन जाए। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 2 4 ज़ 8। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ तो ऑब्वियस है कि न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 वन ज़ 4 एंड 4 टू ज़ 8, ये किस क्या आ गया, 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, सपोज मेरे पास नंबर है 1/4, तो हमें आंसर में क्या चाहिए, ये हमें यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा। अब 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए, ऑब्वियसली 4 4 ज़ 16, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई ही होगा, तो 4 वन ज़ 4, यहाँ पे 4 आ गया, एंड 4 4 ज़ 16, तो हमारी क्या आ गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। तो ये हमारी क्या आ गई, इसकी 1/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सॉल्व की जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं। जो नंबर आपको बनाना है उसी नंबर से डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हम उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। क्लियर, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं को नंबर लेती हूँ 2/ ले लेते हैं, मैंने को नंबर लिया है 2/4, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं। अब 2 है, 2 अपने टेबल में भी आता है और 4 अपने टेबल में भी आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे और 2 से ही इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 2 ज़ 2 2 डिवाइड बाय 2 1, एंड 4 डिवाइड बाय 2 इज़ 2। ये 2/4 की क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। और देखते हैं एग्जांपल 2/6, ये दोनों 2 के टेबल में ही आते हैं, तो 2 से ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इन दोनों को। अब 2 डिवाइड बाय 2 1, 6 डिवाइड बाय 2 इज़ 3। क्लियर,
चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8 बाय 16। अब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 8 के टेबल में, 8 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 16 के टेबल में भी। तो हम इसको क्या करेंगे, जो 8 है 2 के टेबल में भी आता है और 16 भी आता है 2 के टेबल में, दोनों से हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो क्या आ गया, 8 डिवाइड बाई 2 इज़ 4, 16 डिवाइड बाई 2 इज़ 8। अब 4 बाई 8 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है ये, और फर्दर भी इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अब जो 4 और 8 है वो अगेन 2 के टेबल में आता है, तो दोनों से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, 8 डिवाइड बाई 2 इज़ 4, ये भी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको भी हम आप फर्दर करेंगे। 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको अगेन 2 से करेंगे। 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1 एंड 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, तो 1 बाई 2 क्या आ जाएगी, 8 बाई 16 की सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। क्लियर, आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो रहे हैं सारे के सारे। टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तभी हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इन फ्यूचर आपके लिए अच्छी से अच्छी और वीडियोस लेके आ सकें। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस वो वाली फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिनमें जो जितने भी फ्रैक्शंस हों वो सारी क्या होते हैं, उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 बाई 2, 4 बाई 2, 9 बाई 2 एंड 12 बाई 2 एंड सो ऑन, इन सभी के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम हैं। इस तरह की फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं होते, उसमें सभी डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 6 बाई 2, 5 बाई 3, 4 बाई 7, 8 बाई 5, इन सब में क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, सेम कोई भी नहीं है। न्यूमिनेटर चाहे सेम हो सकते हैं बट जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं हो सकते। तो इसमें हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। जब हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो हम क्या देखते हैं, लाइक फ्रैक्शंस देखते हैं। कंपेयर करना हो, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो हम इसमें लाइक फ्रैक्शंस को देखते हैं। चलिए देखते हैं, उसको समझते हैं कि कैसे। चलिए समझते हैं कि कैसे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर किया जाता है, कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है, बाद में फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अगर लाइक फ्रैक्शन हो, लाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास सभी डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नंबर, 2 फ्रैक्शंस ले लेती हूँ, 2 बाई 3 और 4 बाई 3, ये कौन सी फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, बिकॉज इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या हैं, सेम हैं। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हम कैसे, हमारे पास एक ट्रिक है, कैसे डिसाइड करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों की जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, फिर हम देखेंगे न्यूमिनेटर में कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये वाला नंबर ग्रेटर है, तो मतलब 4 बाई 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 बाई 3। क्लियर, एक और नंबर ले लेते हैं, 5 बाई 6 एंड 7 बाई 6, अगेन हमने क्या ली है, लाइक फ्रैक्शन ली है,
ये 6 और 6 दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हुई? लाइक फ्रैक्शन। हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कौन सा न्यूमिनेटर में कौन सा नंबर ग्रेटर है, 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 7 बड़ा है, विच मीन 7/6 इज़ ग्रेटर देन 5/6। क्लियर? अगर हम अनलाइक फ्रैक्शन लेते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं, 4/2 एंड 2/3। अब हम कंपेयर करके कैसे बताएं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? अगर ये बड़ा है तो ये ग्रेटर, नो दिस इज़ रॉन्ग, ऐसे नहीं हम बता सकते, क्योंकि क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है, लाइक बनाना पड़ता है। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है। अब एडिशन की बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने एडिशन में लिया है 4/6 + 2/3। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सेम एज इट इज़, और 4 + 2 = 6, ये है लाइक फ्रैक्शन बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, अगेन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, हमें इसमें इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5/5 एज इट इज़ आ जाएगा, 9 - 6 = 3। क्लियर? ये एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया लाइक फ्रैक्शंस के लिए। अगर कंपेयर करें हम कौन सा नंबर ग्रेटर कौन सा स्मॉलर है, तभी चेक कर लेते हैं, 6/8 है और ये हमारे पास 7/8 है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हम देखेंगे न्यूमिनेटर में कौन सा नंबर ग्रेटर है, 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 7 बड़ा है, तो विच मीन 7/8 इज़ ग्रेटर देन 6/8। क्लियर? अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस आ जाती हैं, तो हमने लाइक फ्रैक्शंस को हमने इजीली सॉल्व कर लिया, एडिशन कर ली, सब्ट्रैक्शन कर ली, कंपेयरिंग कर ली। अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो हम अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 4/5 है, 5/6 है, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं 5 का और 6 का, 5 1 = 5, और उसको आप आगे फर्दर 2 और 3 से भी कर सकते हो और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 5 6 = 30, एलसीएम क्या है हमारे पास, 30। तो हम पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 4/5 है, इनको इक्विवेलेंट बनाएंगे पहले। अगर नीचे भी मल्टीप्लाई होगा तो 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 6 4 = 24 5 6 = 30। अब 5/6 को करेंगे एक लाइक बनाने के लिए, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए, 5 से, तो यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई होगा, 25/6 5 = 30। अब दोनों फ्रैक्शंस हमारे पास क्या आ गई हैं, 4/5 के लिए क्या आया हमारे पास, 24/30 + और 5/6 के लिए क्या आया है, 25/30। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस आ गई हैं, 30 and 24 + 25 = 49/30। ये हमारा आंसर आया है एडिशन करने के बाद। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन में भी ये सेम यही स्टेप्स चलेंगे, ये वाले स्टेप्स ही चलेंगे। इसको पहले हम इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो एलसीएम लेंगे पहले, देन उन दोनों को डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई करके। और सब्ट्रैक्शन में इसकी जगह पे क्या करेंगे, हम एडिशन की जगह सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो आंसर आएगा फिर वो हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। और कंपेयरिंग में क्या करेंगे, कंपेयरिंग में 24/30 and 25/30 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर में नंबर कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा, तो मतलब 25/30 बड़ा है।
और हमने किसके लिए बनाया था इसको, 5/6 के लिए, तो 4/5 और 5/6, तो ये हमारे पास ये नंबर बड़ा आ जाएगा। ये नंबर हमने इसी की हेल्प से बनाए थे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर। आई होप आपको इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, हमने सभी टॉपिक्स को बड़े अच्छे से डीपली समझा है इस चैप्टर में। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इन फ्यूचर, ताकि हम आपके लिए और इससे भी और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकें। थैंक यू।